नमस्कार कर्षियोदय, आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बच्चों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो जेड 2024 के अंदर स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद में जो आपकी ऑन द स्पोर्ट काउंसलिंग है उसमें नवीनतम कृषि कॉलेज 4 खोल दिए गए हैं उनके बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, बच्चों के कॉल मैसेज इतने आ रखे हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं सर जो ऑन द स्पॉट की जो काउंसलिंग है वो हमारी कब से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो ऑन द स्पॉट की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, क्या प्रक्रिया है उसमें। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों में बता देता हूँ आपके नवीनतम कृषि कॉलेज खोले गए हैं कितने बच्चों। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन नवीनतम कृषि कॉलेजों की, ठीक है। नवीनतम कृषि कॉलेज खोले गए हैं आपके 4, कितने बच्चों नवीनतम कृषि कॉलेज कितने खोले गए हैं, 4 नवीनतम कृषि कॉलेज खोले गए हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि सर हमारा जो ऑन द स्पॉट की काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी किया गया था नोटिस उसी में ऐसे बताया है कि आपकी 4 नवीनतम कृषि कॉलेज खोली गई है और उनमें प्रत्येक कॉलेज के अंदर 60 सीट है, ऐसे टोटल मिलाकर 240 सीट हो गई। अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आई, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ डेट आई नहीं ऑफिशियल कि आपको निश्चिंत बता दे कि इस तारीख से आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग ऑन द स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो अंदाजे से तो बता सकता हूँ कि आपकी जो ऑन द स्पोर्ट काउंसलिंग है वो आपके 15 से लेकर और 20 तारीख के बीच बीच में आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी ऑन द स्पॉट काउंसलिंग। तो आप निश्चिंत हो जाए, वापस से कॉल मैसेज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही अपडेट आती है कि ऑन द स्पॉट आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी वो आपको मैं तुरंत नोटिफिकेशन दे दूंगा। वो नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करोगे, ठीक है। अब 4 नवीनतम जो कृषि कॉलेज खोली गई है बच्चों उनकी मैं बता देता हूँ, उनमें प्रत्येक कॉलेज के अंदर 60 सीट है, ऐसे एज ए मिलाकर फर्स्ट में 60 सीट है, सेकंड में 60 सीट है, थर्ड में 60 सीट है, फोर्थ में 60 सीट है, ऐसे टोटल मिलाकर कितनी सीटें 240 सीटें तो ये होगी। पहले वाली जो थी उसमें कितनी ऑन द स्पॉट स्पोर्ट काउंसलिंग में कितनी थी आपकी, स्पोर्ट काउंसलिंग में 100 सीटें उसमें खाली थी क्योंकि आईसीआर के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट कर लिए हैं और यहाँ से जो आपकी जेड 2024 है उसको छोड़कर आईसीआर में भाग ले लिए तो 100 सीटें उधर से काल होगी, 150 सीटें इधर से काल होगी, ऐसे टोटल मिलाकर कितने सीटें हो गई 350 सीट खाली हो गई। तो आपका कम नंबर पर भी बच्चों सिलेक्शन होगा, ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी ऑन स्पोर्ट काउंसलिंग में उससे कुछ थोड़ा बहुत रेशियो रह जाएगा, 4-5 नंबर का कह नहीं सकता। ऐसे समझ सकते हो कि आप भी कि हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको एक रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर अपन कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, कैटेगरीज वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही न्यूज अपडेट देखने के लिए जेड 2024 से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी रैंक है या फिर आपके कितने नंबर है, तो आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अपन शाम लगभग अपन 8 बजे के समथिंग एक लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आपकी जो ऑन द स्पॉट है काउंसलिंग उसको लेकर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सटीक मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।